हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टिकटॉक स्टार सिया कक्कर के बारे में। सुने भी होंगे सिया कक्कर ने सुसाइड कर लिया है। तो आप लोग सोच सकते हैं 2020 जो है हम इतने बुरे वक्त का सामना कर रहे हैं लोग, क्योंकि कुछ दिन पहले ही सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। क्या था मेन रीजन अभी तक नहीं पता चला है। उसी तरह से सिया कक्कर ने कल रात को सुसाइड कर लिया, जिसका टिकटॉक पे 1.1 मिलियन फैंस फॉलोवर है और इंस्टाग्राम पे 100K के आसपास फॉलोवर्स है। जबकि बुधवार को वो बिल्कुल सही सलामत थे और उन्होंने अपने मैनेजर अर्जुन सर से बात भी किए थे एक सॉन्ग को लेकर और कोलाबोरेशन के लिए। लेकिन अचानक से क्या हो जाता है, कल रात को मॉर्निंग में पता चलता है कि सिया कक्कर ने सुसाइड कर लिया है। और सिया कक्कर का उम्र अभी 16 साल का ही था और एक डांसर भी था और बहुत अपने मैनेजर अर्जुन सर से सॉन्ग को लेकर बात भी चल रहे थे और अचानक से ऐसा खबर मिल रहे हैं। तक इसका मेन रीज़न पता नहीं चला है सिया कक्कर ने सुसाइड क्यों किया, तो यहाँ पे पुलिस जांच कर रहे हैं और पोस्टमार्टम के बाद ही मेन रीज़न पता चलेगा। तो आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी जो टिकटॉक पे निशा गुरगेन का एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, निशा गुरगेन को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, तो प्लीज़ ये सब ट्रोल करना बंद कर दो। क्योंकि आप सोच सकते हैं जब इंसान ज़िंदा रहता है तो उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं सोचते हैं और गलत बोलते रहते हैं, लेकिन जब वो इंसान नहीं रहता है हमारे बीच तो हम उसके लिए सही सोचना चालू करते हैं। तो प्लीज़ अभी तक तो निशा गुरगेन सही है, तो प्लीज़ उनको जो भी व्यक्ति के वीडियो को वायरल कर रहे हैं सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे और ट्रोल कर रहे हैं टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम के द्वारा, तो ट्रोल करना बंद कर दीजिए। और जैसे ही टिकटॉक स्टार सिया के बारे में कुछ पता चलता है तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।